गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई रीड इन कंप्यूटर सब्जेक्ट लेसन फर्स्ट क्लास फोर्थ। ओपन योर पेज नंबर 9, देन कम टू द टॉपिक स्टोरेज डिवाइस। टॉपिक नेम स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं और क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस उसे बोलते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाए जा सके, उसे डिवाइस को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। जैसे में हमारा है हार्ड डिस्क, दूसरा हमारा है सीडी, तीसरा है पेन ड्राइव, उसका नाम है फ्लैश डिस्क, उसे बोलते हैं फ्लैश डिस्क भी उसका ओरिजिनल नाम है, पेन ड्राइव भी बोलते हैं। फ्लैश ड्राइव है बहुत सारे नाम है भाई जिसमें डाटा स्टोर करने के लिए इन सारे डिवाइसों का यूज किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस 1.5 फिगर आप लोग देख रहे होंगे। 1.5 फिगर में आप लोगों को बहुत सारे प्रकार के डिवाइस हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मल्टीमीडिया कार्ड, फ्लैश ड्राइव एंड ब्लू रेड डिस्क। ओके, ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं, आर यूज टू सेव द इंफॉर्मेशन परमानेंटली इन द कंप्यूटर। यानी जो कंप्यूटर में हम लोग फोटो, वीडियोस, गाना एक्सेट्रा, ये सब जितने भी स्टोर करके हम लोग रखते हैं, वो स्टोर किस डिवाइस में, वो सारे डाटा किस डिवाइस में स्टोर होते हैं हम लोग को ना जानते हैं, तो हम लोग यही बोलते हैं वो कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में है, कोई फोटो हुआ चाहे कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग यही बोलते हैं कि वो कंप्यूटर के अंदर है। बट वो स्टोर किस जगह में, किस डिवाइस में ऐड हुआ है, यानी कंप्यूटर के साथ साथ बहुत सारे डिवाइस ऐड होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड यूपीएस, सीपीयू। ओके, ये आउटपुट डिवाइस हमें दिखते हैं, बट उनके अंदर भी कुछ डिवाइस ऐड होते हैं जिसे हम लोग इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। बट ये हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन डाटा जो भी है, ये स्टोर कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये तो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन कहाँ होता है, तो जो नहीं जानता वो यही बोलता है कि कंप्यूटर के अंदर है, मौजूद है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर है तो किस डिवाइस में, तो वो हमारा होता है एक सीपीयू कैबिनेट, आप लोग देखे होंगे उसके साइड में। आगे पढ़ते हैं, इन द कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, पिक्चर, साउंड एक्सेट्रा, द स्टोर डिवाइस आर, जितने भी प्रकार के वर्ड, पिक्चर, साउंड, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये स्टोर होने का एक डिवाइस होता है, उसका नाम होता है हार्ड डिस्क। और ये कहाँ रहता है, कहाँ मौजूद होता है, सीपीयू कैबिनेट इनसाइड द बॉक्स। जो सीपीयू हमारा होता है उसके अंदर साइड में हमारा इस प्रकार का ये वाला हार्ड डिस्क बॉक्स उसमें ऐड होता है। ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये हार्ड डिस्क है, ये उसी में लगता है, किसमें, सीपीयू में। तो हार्ड डिस्क ये भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है, और ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क, मल्टीमीडिया कार्ड जिसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं चिप, मेमोरी कार्ड,
मल्टीमीडिया कार्ड, ओके सीडी आप लोग देखे होंगे कहाँ यूज होता है, और डीवीडी भी, ये दोनों एक प्रकार के देखने में होते हैं, लेकिन सीडी से बेटर यानी मोर इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड होते हैं, यानी और ज़्यादा इसमें डीवीडी में स्टोर किया जाता है। इन दोनों में यही खासियत होता है। और फ्लैश ड्राइव उसे बोलते हैं जो आप लोग देखते होंगे एक प्रकार का पेन ड्राइव, नाम सुने होंगे उसका ये नाम है पर बट हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं पेन ड्राइव, ठीक है, पर उसका नाम फ्लैश ड्राइव भी होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक्सटर्नल यूज है, ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूज हैं। ये फ्लैश ड्राइव यानी डीवीडी से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, यानी इसमें और भी ज़्यादा उससे अधिक मात्रा में फोटो वीडियो कुछ भी अपना जो भी डाटा है इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है मल्टीमीडिया कार्ड, आप लोग देख रहे होंगे ये वाला मल्टीमीडिया कार्ड, जिसे अपने लैंग्वेज में बोलते हैं मेमोरी कार्ड चिप, जो हम लोग मोबाइल में छोटा सा वो उसमें डालते हैं और जितने भी प्रकार के हमें वीडियो फोटो जो भी होता है इसमें हम उसको क्या करते हैं स्टोर करते हैं, तो आप लोग चिप देखे ही होंगे। वैसे ही आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क, देखने में ये स्क्वायर शेप का होता है पर बट इसका भी काम वही होता है एक्सटर्नल यूज, इसमें भी हमारा स्टोर करने का कार्य किया जाता है, जो कि कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर में लगता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हार्ड डिस्क, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो हार्ड डिस्क टॉपिक। ओके पढ़ेंगे और पीछे दिया गया एक्सरसाइज अपने आप फिलअप करेंगे। देन नेक्स्ट हार्ड डिस्क टॉपिक, देन नेक्स्ट स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।